फिर हम लोग आ गए थे कैफेटेरिया में, तो हम तीनों ने कॉफ़ी पी, बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनी थी। एंड वहाँ का लोकेशन भी बहुत ही प्यारा था, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और उनका जो उन्हें जो फोटोग्राफी करके वहाँ पे लगाया हुआ था वॉल पे, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। कलर कॉम्बिनेशन, ओपन एरिया था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब एक छोटे से एरिया में बहुत अच्छा इन लोगों ने कैफेटेरिया बनाया है, तो बहुत वाइब्रेंट टाइप का था, मज़ा आया। फिर हम लोग आए हमारे फ्रेंड के स्टूडियो में, और ये रहा शाहपुरा लेक। हम लोग लेक पे आए थे और बहुत ही प्यारा लग रहा था, सनसेट हो रहा था तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और बहुत ही प्यारा गार्डन सा है तो यहाँ पे मज़ा आती है। यहाँ पे मतलब सुकून मिलता है, बैठो आराम से, बच्चे बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, और बैठ के आराम से देखते रहो, अच्छा लगता है। तो फिर हम दोनों यहाँ पर आए, यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठे बैठे थोड़ी देर मस्ती करी और इन्जॉय किया यहाँ की प्लेस को। संडे है तो बच्चे यहाँ पे देखो खेलते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, भोपाल को जाना ही जाता है झीलों की नगरी के नाम से, तो यहाँ पे तो है ना, क्यों जानू। यस करेक्ट। और यहाँ की खूबसूरती ही तालाब है, जहाँ देखो वहाँ तालाब मिल जाएंगे आपको, इतनी खूबसूरत खूबसूरत। ये देखिए यहाँ से डूबता हुआ सूरज दिख रहा है, बट कितना खूबसूरत दिख रहा है ये देखिए। फिर हम लोग आ गए थे, ये मेरी जो कज़न सिस्टर आई है उसको चाहिए था कैंडल रखने के लिए, कैंडल होल्डर, तो हम लोग आ गए थे ये देखने के लिए। यहाँ पे बहुत कुछ आइटम मिला, मैंने भी कुछ कुछ एक दो आइटम्स ले लिए। मुझे ये वाला वास बहुत पसंद आ रहा था, मैंने सोचा ये लेती हूँ। अरे ये भी है, ये देखो, ये रही कैंडल के, इसमें भी कैंडल रख सकते हो आप। ये देखो, ये देखो कछुआ वाला, इसमें भी कैंडल रख सकते हो। हमारे यहाँ भोपाल में ऐसे रोड साइड पे ये लगे रहते हैं, देखिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। ये रोड साइड पे ही लगा है, बट उनके पास काफ़ी आइटम है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और शाम हो गई है, काफ़ी देर से निकले हुए थे तो जल्दी से घर जाते हैं। और अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय बाय।